हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। गुड़ामलानी विधायक हेमाराम चौधरी इस्तीफा वापस नहीं लेने पर अड़े। कमेटी के सभापति बनने के बाद विधायक हेमाराम बोले, विधानसभा अध्यक्ष इस्तीफा स्वीकार करने के मूड में नहीं तो मैं भी इस्तीफा वापस लेने के मूड में नहीं। गुड़ामलानी विधायक हेमाराम चौधरी के इस्तीफे के बाद से राजस्थान में सियासी पारा चढ़ा हुआ है। हाल ही में हेमाराम को उपक्रम समिति का सभापति बनाने से ये जाहिर हो रहा है कि विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी विधायक हेमाराम चौधरी का इस्तीफा स्वीकार करने के मूड में नहीं है। वहीं विधायक हेमाराम चौधरी का कहना है कि मैं भी विधायकी से इस्तीफा वापस लेने के मूड में नहीं हूं। विधायक हेमाराम चौधरी ने मीडिया से बातचीत करने के दौरान कहा कि मैं इस उपक्रम समिति का सभापति पिछले 2 साल से हूं। जो अभी कमेटी बनी है ये वर्ष 2021-22 के लिए बनी है। इस संबंध में मेरी विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी से बात नहीं हुई है। ऐसा लगता है कि जोशी इस्तीफा स्वीकार करने के मूड में नहीं है और मैं इस्तीफा वापस लेने के मूड में नहीं हूं। अब उनसे मुलाकात होने पर ही आगे क्या होता है इस पर निर्णय होगा। उन्होंने कहा, बजट सत्र में अध्यक्ष सीपी जोशी का अधिकार दे दिया गया था कि कमेटियों का गठन करें और कमेटियों के सभापति और सदस्य को बनाएं। विधायक हेमाराम चौधरी का कहना है कि मैंने 18 मई को विधायक पद से इस्तीफा भेज दिया था, लेकिन जब तक इस्तीफा स्वीकार नहीं होता है तब तक मुझे विधायकी के रूप में काम करना है। मैं अपनी जिम्मेदारी को निभाना अपना फर्ज समझता हूँ। विधायक की हैसियत से जो काम है वो काम मैं कर रहा हूँ। हेमाराम चौधरी का कहना है कि विधानसभा से मुझे पत्र आया था कि लॉकडाउन हटने के 7 दिन के अंदर स्पीकर से मिले। मैं लॉकडाउन के बाद जयपुर गया भी था और 7 दिन जयपुर रुका भी था। मैंने स्पीकर से मिलना भी चाहा था, लेकिन उनकी ओर से जवाब आया कि लॉकडाउन में परिवर्तन हुआ है, लॉकडाउन हटा नहीं है। मैं वापस अपने विधानसभा क्षेत्र आ गया और विधायक के तौर पर जो लोगों के काम होते हैं उनको करने की कोशिश करता हूं। गौरतलब है कि बीते दिनों विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी ने विधानसभा में 19 समितियों का गठन किया है। इसमें हेमाराम चौधरी को राज्य के उपक्रम समिति का सभापति बनाया है। चौधरी को विधानसभा सचिवालय की तरफ से सूचना भेजी गई है कि इस्तीफे के संबंध में वे लॉकडाउन हटने के 7 दिन में स्पीकर से मिले। लॉकडाउन के बाद हेमाराम चौधरी ने विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी से मिलने की कोशिश की, लेकिन उनकी मुलाकात नहीं हुई। जागरूक टीवी की बाड़मेर से ठाकुर राम मेघवाल की रिपोर्ट।